हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शिव। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेब्रोनिक्स का 32 इंच का फुल एचडी कर्व मॉनिटर। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं मॉनिटर के साथ हमें इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मॉनिटर के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड, अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारा जेब्रोनिक्स का 32 इंच का फुल एचडी कर्व मॉनिटर। ये जो आप बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं, इसी के अंदर है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर की सभी डिटेल बॉक्स के बाहर लिखी हुई है, लेकिन हम उनको नहीं देखने वाले। सभी डिटेल मैं आपको वीडियो में साथ के साथ मेंशन करता जाऊंगा, आप उनको अच्छे से देख लेना। तो अभी फटाफट अंदर के मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूं ताकि मैं इसको अच्छे से निकाल पाऊं। सो गाइस, आप देख रहे हैं जो मॉनिटर था वो हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, एंड कुछ इस तरीके से आपको ये थर्माकोल की सीट का बना हुआ एक बॉक्स मिलेगा। तो ऊपर की पतली वाली जो सीट है, जो इस बॉक्स का ढक्कन है, उसके ऊपर इस मॉनिटर की काफी सारी एसेसरीज रखी हुई है, जैसे कि जो यूजर मैनुअल है वो आपको मिल जाएगा, एल्युमिनियम का एक जो इसका बेस मिल जाएगा, जो इसका स्टैंड है, यहाँ पर एक VGA केबल मिलेगी, यहाँ पर एक पावर अडेप्टर मिलेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं 12 वोल्ट का ये पावर अडेप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी पावर केबल आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको अपने अडेप्टर के अंदर इस तरीके से लगा देनी है। तो इसको हम बाद में जो है कनेक्ट करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑक्स केबल भी मिलेगी, ये साउंड के लिए होता है, क्योंकि जो हमारा मॉनिटर है इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पर एक इसका ये प्लस पॉइंट भी है। इनके अलावा फ्रेंड, आपको यहाँ पर कुछ स्क्रूज देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पर आपको एक पीछे का ये कवर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अभी हम अपने मॉनिटर को निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर के ढक्कन को यहाँ से हटा देंगे। इसको बाहर निकालने से पहले आपको इसका स्टैंड लगाना होगा। स्टैंड कैसे लगाते हैं वो अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो इसको लगाना भी काफ़ी इजी है। आपको यहाँ पर जो ये बेस दिख रहा है, इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जो स्क्रू मिला है, आपको इस तरीके का एक बड़ा स्क्रू मिलेगा, ये वाला, ये आपको यहाँ पर पीछे की तरफ लगा देना है। अगर आपको पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ रबड़ की सीट मिले इस तरीके की, तो उसको हटा देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लगी हुई है। तो एक बार के लिए इसको हटा देना है और वापस से यहाँ पर चिपका देना है। तो मैं यहाँ पर जो स्क्रू को टाइट कर देता हूँ, स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है, एंड उसके बाद जो आपकी ये रबड़ की सीट है छोटी सी, इसको यहाँ पर चिपका देना है इस तरीके से, ताकि टेबल के ऊपर आपके मॉनिटर का जो स्टैंड है, इसकी ग्रिप जो है अच्छी तरीके से बनी रहे। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का एक छोटा सा यहाँ पर प्लेट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 4 स्क्रू और मिलते हैं, कुछ इस टाइप के आप देख रहे हैं, छोटे स्क्रू भी मिलेंगे आपको 4, या तो ये आपको अलग से मिलेंगे या फिर यहाँ पर जो है आपको कनेक्ट हुए मिलेंगे। सो गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको ये 4 होल मिलेंगे, एंड इसके अंदर आपको इसे डालना है और यहाँ पर अपने जो चारों पेच है उसको टाइट कर देना है। स्क्रू को अच्छे से लगाने के बाद आपको इसका एक कवर मिलेगा, आपको इस कवर को भी यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से, इस कवर को भी यहाँ पर लगा देना है ताकि ये देखने में भद्दा ना लगे। अब जो है आप अपने मॉनिटर को यहाँ पर इजीली बाहर निकाल सकते हैं। मॉनिटर को बाहर निकालने के लिए आपको जहाँ पर आपने पीछे की साइड स्टैंड लगाया उसको इस तरीके से उठाना है, एंड यहाँ पर कॉर्नर से नीचे की साइड से इसको पकड़ना है और ऊपर उठा देना है और अपनी टेबल पर इस तरीके से रख देना है। फ्रेंड, अगर हम इस मॉनिटर के बेजल्स की बात करें तो बिल्कुल स्लिम बेजल्स हमें इस मॉनिटर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी डिस्प्ले को काफ़ी अच्छा बना देता है। वही सेकंड, अगर हम इस मॉनिटर की मोटाई की बात करें तो आपको जो है 5 से 6 mm तक की जो इसकी मोटाई मिलती है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी स्लिम मॉनिटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पीछे की साइड यहाँ पर व्हाइट कलर है, एंड आगे का जो पैनल है, जो फ्रेम है, उसका हमें ब्लैक कलर मिलता है, तो जो कि कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस, जो इस मॉनिटर का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है ये कर्व डिस्प्ले। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें जो कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये इस मॉनिटर का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो VA पैनल के साथ हमें फुल HD डिस्प्ले मिलता है, और रिस्पांस टाइम की बात करें तो 8 मिलीसेकंड का हमें यहाँ पर रिस्पांस टाइम मिलता है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो इस मॉनिटर के अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार इसकी पिक्चर क्वालिटी भी यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ।
सो गाइज आप जो है इस मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की इसकी पिक्चर क्वालिटी है। मैं आपको कैमरे के अंदर तो जो है इसकी एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी नहीं दिखा पाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की। तो जब आप इसको लेंगे तो एक्चुअल में आप इसकी पिक्चर क्वालिटी का पता लगा पाएंगे। तो आप जो ज़रा इसकी पिक्चर क्वालिटी को चेकआउट करें। सो गाइज अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर ये जो मॉनिटर जो मैंने जेब्रोनिक्स का लिया है 32 इंच का, तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी जो है 1 वीक का, तो जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी तक तो जो है ठीक चल रहा है। और यहाँ पर जो है इसकी जो लुक वगैरह वो सब आप कैमरे में देख ही चुके हैं। बाकी जो है इस प्राइस रेंज के अंदर जो है हमें ये जो है आई थिंक काफ़ी अच्छा मॉनिटर मिल जाता है, बजट मॉनिटर है, तो आप जो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी की डिटेल जानने के लिए जो इसका लिंक है वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप जो उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस मॉनिटर के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है वहाँ पर आपको लिंक मिल गया, वहाँ पर क्लिक करके इस मॉनिटर के बारे में सब कुछ जो है और डिटेल से जान सकते हैं।